देखो सी कैसे मुझे छोड़ के जा रहे हैं मोमेंट तेरी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का दिन हम लोग का बहुत एनर्जेटिक से शुरू हुआ है क्योंकि हम लोग को जाना है एक इंगेजमेंट पार्टी में, जो कि यहाँ से 3 to 4 hours लगता है जाने में, और वो हिल स्टेशन है। तो हम लोग सब लोग निकल रहे हैं अभी, और मिलती हूँ आपसे रास्ते में। सो अभी 8:24 हो रहा है और हम लोग निकल गए हैं शिमोगा के लिए। और टाइम शिमोगा नहीं है, तीर्थहल्ली। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ही है ना। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में तीर्थहल्ली के लिए निकल रहे हैं। वहाँ पे मधु जी के फ्रेंड का एंगेजमेंट है, इस वजह से हम लोग जा रहे हैं। तो अभी हम लोग का हो गया है टी एंड कॉफ़ी टाइम, और हम लोग रुके हैं एक कॉफ़ी शॉप पे, और ये बहुत ही सुंदर सा कॉटेज टाइप का बना हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। मैं रास्ते में ज़्यादा नहीं ले पाई क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ा जो रोड्स है ना, ऐसे जिगजैग वे में रहता है तो थोड़ा सिर घूमने लगता है, तो वैसे कुछ हो रहा था एंड वोमिटिंग वगैरह हो गया है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे रिलैक्स करती हूँ 10 मिनट एंड देन हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और इस साइड रोड के इस साइड आप लोग देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आ रहा है। और ये जो ट्रीज आपको दिख रहे हैं उस पे सारे जो क्रीपर्स है वो सारे ब्लैक पेपर के हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा व्यू दिख रहा है यहाँ से। रास्ते में बहुत सारा कॉफ़ी एस्टेट भी मिला है हम लोग को। मैं सोची थी कि मैं रुक करके अच्छे से लूँगी, बट नहीं ले पाई। तो बस यहीं पे ये जो शॉप है इसके पीछे बहुत सारा कॉफ़ी का पेड़ है। बहुत बड़ा नहीं होता है, एक्चुअली होता तो बहुत बड़ा ही है, बट ये लोग कट कर देते हैं और इतना ही छोटा रखते हैं ताकि अच्छे से कॉफ़ी बीन्स निकाल सके इसमें से। तो ये पीछे पूरा जो है ना, ये कॉफ़ी का ही है। एंड हम लोग बस यहाँ पे पी चुके हैं ऑलरेडी टी, मैं टी पी हूँ, सब लोग कॉफ़ी पिए हैं एंड ही इज़ माई हीरो मोमेंट। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और डायरेक्ट इंगेजमेंट सेरेमनी जहाँ हो रहा है वहीं पे रुकेंगे, बीच में कहीं नहीं रुकने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा लेट हो चुका है हम लोगों को। और मे बी वहाँ देखिए इंगेजमेंट ख़त्म हो गया होता है या रहता है, वी डोंट नो। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, हम लोग के आने से पहले ही इंगेजमेंट हो गया था, बट फोटोज हम लोग ले रहे हैं। और सामने इतना सुंदर से इन लोगों ने सजा के रखा है ना, कोकोनट को बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी में डिज़ाइन बनाए हैं उसके ऊपर, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एंड यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं खाना खाने के लिए, सब लोग बैठे हुए हैं, तो नेक्स्ट टर्न हम लोग का होगा। एंड ये देखिए डॉग कितने आराम से सो रहा है और अपना जगह भी कितने अच्छे से खोज के रखा है, ग्रीनरी बहुत अच्छा है। और यहाँ बस हम लोग का खाना शुरू हो गया है, मैं बहुत थोड़ा ही खा रही हूँ, एज यू नो मेरा हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं है आज, बट खाना बहुत टेस्टी है। तो हम लोग इंगेजमेंट सेरेमनी से निकल चुके हैं और ये रास्ते में बहुत ही खूबसूरत सा व्यू हम लोग को दिखा है, तो हम लोग रुके हैं यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ स्टोन्स को कट किया हुआ है और जो बारिश हुई है उस वजह से पानी यहाँ पे स्टोर हो गया है और बहुत ही स्टिल वाटर है। और ये देखिए इसमें फिश भी बहुत छोटे छोटे हैं और जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फिश है यहाँ पे, तो वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। जो जो स्पॉट दिख रहा है वहाँ वहाँ रुक रहे हैं, आपका नहीं आ रहा है जा। सेल्फी कैमरा था। आ देखा। क्या बोल रही थी मैं? हाँ सब। और ये तो नहीं पता ना, ये देखिए ये सागर जी है, ये हुबली से इधर आए हैं, ये भी मोमेंट के फ्रेंड है। किधर देख रहे हैं? इधर देख रहे हैं। So, हम लोग के पास एक इधर ये बुलेट है और एक कार है जिसमें हम लोग ट्रिप कर रहे हैं। एक बुलेट है, एक कार है, एक फ्यूट है। ओके ओके। तो ये बहुत अच्छा सा सीन है यहाँ पे। ओए देखो सी कैसे मुझे छोड़ के जा रहे हैं मोमेंट, तेरी बीवी कौन होगी, मैं ही हूँ।
आप बोलना साथ वाला साथ में तो मैं ही हूँ ना, हजार लड़की आगे या पीछे होगी। आप साथ हो तो चेक कौन है? ओके तो बस एक स्पॉट हम लोग देख लिए हैं, अभी दूसरे में जा रहे हैं। तो हम लोग बस 1 किलोमीटर पीछे हैं राष्ट्रीय कवि कुवेंपू जी, जो थे कनाडा के कवि थे, बहुत बड़े कवि थे, उनका हाउस देखने के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो बस 1 किलोमीटर पीछे हैं, वो हाउस जो है अभी एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो गया है। और ये जो विलेज है इसका नाम कुप्पाली है, जो कि तीर्थहल्ली तालुक में पड़ता है, ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो कि कर्नाटका में है। और यहाँ ही इनका बर्थ हुआ था, चाइल्डहुड सभी चीज़ यहीं इनका बीता है। तो हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं, कुछ गाड़ी लगे हुए हैं, यानी कि कुछ लोग हैं यहाँ पे आए हैं देखने के लिए। तो चलिए हम लोग भी देखते हैं। तो ये है इनका घर, बहुत ही प्यारा है। ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, और आई डोंट नो अंदर वो कैमरा लेके जाने देंगे कि नहीं, क्योंकि म्यूज़ियम है और म्यूज़ियम में जनरली कैमरा अलाउड नहीं होता है। और यहाँ कुछ लिखा है जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अपना स्लीपर्स निकाल देते हैं और फिर चलिए देखते हैं कैमरा लेके जाने देता है या नहीं, या फिर मोबाइल भी लेके जाने देता है या नहीं। तो टिकट काउंटर पे सब लोग ले रहे हैं टिकट, मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे। और साथ में आप लोग को पता ही है कि मुझे जब वेट करना हो और कुछ डिफरेंट सा आर्किटेक्चर या कुछ दिखे तो आँख तो मेरा उधर ही जाता है। सो आई एम सीइंग इट्स वेरी नाइस दे हैव डन, एंड सभी पे बहुत अच्छे से पॉलिशिंग किया हुआ है, सभी उड का है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये नीचे पूरा पेड़ सब है बनाना का और सब चीज़ का। तो फिर मिलती हूँ मैं अंदर से आने के बाद आप लोगों से। तो हम लोग अंदर से आ गए हैं और ये देखिए पिलर को भी कितने अच्छे से डिज़ाइन और कार्विंग करके बनाया है ना। और ये है जो उस टाइम में इवन अभी भी यूज़ करते हैं मसाला पीसने के लिए या इडली का पेस्ट बनाने के लिए। तो ये एक और साइड में है घर जिसमें ये सभी सामान रखा हुआ था, तो इसमें वो लोग नहीं रोके हैं कैमरा लाने से, तो मैं कैमरा लेके आई हूँ। सो ये सब हल है जो खेत वेत में यूज़ होता है, और ये गाड़ी है उस टाइम का जो बैल से चलता था, ऑक्स का हेल्प लेकर के चलता था। तो ये है, एंड नाउ इट्स अ टाइम टू फोटोशूट। तो ये इनका हाउस है और अंदर से बहुत ही अच्छा है, चारों साइड से घर है और मिडिल में जो हम लोग छोड़ते हैं तुलसी के लिए वो छोड़ा हुआ है। तो मुझे अपने गांव का याद आ गया, हमारे गांव में ऐसे ही रहता था, तो आई रियली लव दैट। बहुत दिनों के बाद अब देख रही हूँ इस टाइप का, तो बहुत अच्छा लगा देख के मुझे। और इसके बाद हम लोग जाएंगे उनका स्मारक है वहाँ पे, और कुछ 2-3 और भी उस टिकट में बना हुआ है कि कहाँ कहाँ आप देख सकते हैं। तो देखेंगे जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना देखेंगे, क्योंकि लेट ऑलरेडी हम लोग को हो गया है और हम लोग को वापस हासन जाना है। तो जितना पॉसिबल होगा उतना ही देखेंगे। तो अभी हम लोग दूसरे पार्ट में आ गए हैं। यहाँ पे ये जो एरिया है बिल्कुल राउंड में ऐसा बना हुआ है, पिलर एंड उसके ऊपर बीम ऐसे डाल करके, ये आर्च बिल्कुल इस तरह से ही यहाँ पे मैं देखी हूँ सभी बना हुआ है, और सारा एक ही स्टोन है। दैट वन इज़ द बेस्ट थिंग टू सी ओवर हेयर। तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ही
अगर आप पीछे देखें तो बहुत सुंदर सा सीनरी दिखता है। और जो कुएमपु जी थे वो यहीं बैठ के बहुत सारे अपने पोएम्स लिखे हैं, बहुत सारे राइटिंग्स करते थे यहाँ पे बैठ करके। तो ये प्लेस वही है, यहाँ पे कुछ बेंचेस भी लगे हुए हैं कि आप बैठ करके थोड़ा देर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, तो ये लोग सब लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये यहाँ पे ये चीज़ है, इस वजह से फेमस है, तो मैं वही देख रही हूँ। और सीनरी सच में बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा है, मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगी। हिल जो है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कुछ ड्राइंग करते ना हम लोग, पेंटिंग करते, बिल्कुल वैसा दिखता है। तो दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, लग रहा है ना बहुत प्यारा, और अभी इवनिंग का टाइम है तो और भी अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। ये मन हो रहा है बस थोड़ा देर बैठे, बट वी डोंट हैव टाइम टू सिट ओवर हेयर। तो ये जो माउंटेन है वो पूरा प्लेटियो एरिया है, पूरा वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ हुआ है। तो ये देखिए, बीच में थोड़ा स्पेस है जिसमें पानी स्टोर था, तो बस डॉग अपना पानी पिया और निकल लिया। हम लोग यहाँ से ऊपर कहाँ जा रहे हैं, हम लोग इसमें कभी खेल लिया। आप फोटो निकाल लेना उधर, हाँ। जहाँ पे वो खड़ा था, मैं बाइक बुलेट लेके आया, ये रोड वहीं पे जाता है। तो लो इधर से यहाँ जाना था। हाँ, देखो पाथ उधर ही था, पाथ तो कोई सम। इधर अच्छा है, इधर क्या है वो पूछ रही थी। कभी खेल लिया, दिखाए ना। तो हम लोग अभी चाहिए आ गया, आप देखिएगा कविशाल्य में जा रहे हैं। इधर से वॉक करके, गाड़ी नहीं जा सकता, इधर से नीचे से वॉक करके हम लोग को जाना है। बीच बीच में थोड़ा मैं सबका फोटो भी ले लेती हूँ। एंड दिस वन इज द ऑसम प्लेस। अच्छा बनाया है, सी दो चार पिलर हैं एंड देन उसके ऊपर से इस तरह से। फुल एक स्टोन है, एक एक स्टोन ही है वो में, मतलब ये नहीं वो नहीं, बीम बोल रहे हैं, बीम पूरा एक एक स्टोन ही है। तो ये हम लोग आ गए हैं काव्यशाला में। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्वायर में, ये है कुएमपु जी का स्मारक। They are seeing a very creative cameraman in our group. A latest version of Ram Gopal Varma. सब different different मस्त पूछ रहे थे। मैं क्या पाप किया था? ले लो अभी। बस हुआ मेरे को। इन लोगों को इस तरह से देख के कि बिल्कुल लग रहा है जैसा हाँ कॉलेज में ट्रिप जाते हैं ना लोग, मस्त वैसे ही सब गए हैं और थक गए हैं, थक हार करके ना पत्थर पे बैठ गए। और ये देखिए, कुछ तो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है हमारे कैमरे में, वो है भानु जी। एंड
ब्लैंड हेयर भानु जी इज पोजिंग विथ इमेजिनरी गर्ल हु इज गोइंग टू कम इन हिज लाइफ। तो अब बस हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए वापस। तो अभी आई थिंक 6 o'clock हो गया है या 6:30 ऐसे हुआ है। तो सागर जी को भी निकलना है हुबली के लिए, उनको भी लेट हो जाएगा। तो हम लोग और कोई भी चीज़ नहीं देखेंगे, बस निकलेंगे डायरेक्ट हासन के लिए। अभी शेयर पूरा वीडियो बना दिए हैं, अभी ऐसा जा रही है, अभी हम वीडियो बना रहा हूँ। टर्न मार रही सागर। तो आज का व्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय।